इसलिए हमारे पास नॉर्मल बिजालिस एक्सटर्ना है, ठीक है। अब हम लोग जो होते हैं ना पैलेटाइन बोन के पीछे से और इधर जो है ना पीछे से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते होते हैं और ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के आगे से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हमारे पास ये नॉर्मल बिजालिस एक्सटर्ना इंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसाज में डिवाइड हो जाता होता है। उसके बाद हम लोग जो होते हैं ना मेनली नॉर्मल बिजालिस एक्सटर्ना में फोरामिनास करते हैं और उसके कॉन्टेंट्स करते होते हैं। ये सबसे पहला है इंसाइजिव फोरामिन। इंसाइजिव फोरामिना में से हमारे पास होते हैं नेजोपैलेटाइन नर्व और ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स पास करती होती हैं। ये ग्रेटर पैलेटाइन है फोरामिन है, ये लेसर पैलेटाइन फोरामिन है। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिन में से हमारे पास एंटीरियर पैलेटाइन नर्व पास करती होती है और ये जो पीछे वाला है लेसर पैलेटाइन फोरामिन, इसमें से हमारे पास मिडल और पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व पास करती होती हैं। उसके बाद ये है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, ये इंटरमैक्सिलरी सुचर है। उसके बाद ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है और ये प्लेटो मैक्सिलरी सुचर है, ये इंटर पैलेटाइन सुचर है, ठीक है। ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है। ये हमारे पास ये जो है ये वोमर है और ये एला ऑफ वोमर है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रेजेंट होती है रेमस ऑफ स्फीनॉइड बोन के ऊपर, ये जो जगह है ये रेमस ऑफ स्फीनॉइड है, ठीक है। अब हम मिडल क्रैनियल फोसा की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल टीरिगॉइड प्लेट है, ये लेटरल टीरिगॉइड प्लेट है, ये जो है ये हमारे पास टीरिगॉइड फोसा है। उसके बाद हमारे पास जो है ना फोरामिनास इसके जो है वो करते हैं। फोरामिनास में से ये हमारे पास ये ओवल जो शेप का फोरामिन है ये फोरामिन ओवेल है, ठीक है। और ये इसके पीछे जो है ना फोरामिन स्पाइनोसम है, ठीक है। और ये जो क्लाइवस, ये क्लाइवस है, ठीक है। और क्लाइवस के लिए लेटरली जो है ना ये फोरामिन लेसरम है। फोरामिन लेसरम में से हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती होती है। फोरामिन ओवेल में से हमारे पास फोर स्ट्रक्चर्स पास करते होते हैं, मैंडिबुलर नर्व, उसके बाद एक्सेसरी मेजियल आर्टरी, उसके बाद लेसर पेट्रोसल नर्व और मिजरी वेन्स, ठीक है। स्पाइनोजम में से हमारे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास करती होती है, उसकी वेन पास करती होती है, लेसरम से हो गया। उसके बाद लेसरम के ये पीछे ये जो है हमारे पास कैरोटिड कैनाल है, ठीक है। और ये कैरोटिड कैनाल के पीछे ये जहां पे मेरा पेन जा रहा है इसे कहते हैं जुगलर फोरामिन। जुगलर फोरामिन में से इंटरनल जुगलर वेन पास करती होती है और हमारे पास साथ में 9th, 10th और 11th नर्व पास करती होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये स्टाइलॉयड प्रोसेस है, ये मेस्ट्रॉइड प्रोसेस है। स्टाइलॉयड और मेस्ट्रॉइड के दरमियान में स्टाइलोमेस्ट्रॉइड फोरामिन होता है, इसके अंदर से मतलब फेशियल नर्व पास करती है और स्टाइलोमेस्ट्रॉइड वेसल पास करती है, ठीक है। उसके बाद ये हम मिडल क्रैनियल फोसा हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में। नहीं, ये यहाँ पे एक चीज रह गई थी, ये हमारे पास ये होता है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। और ये जो होती है ना ये लेटरल टेरिगो मैक्सिलरी फिशर होता है, जो कि हमारे पास लेटरल बाउंड्री बना रहा होता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं हम पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में आते होते हैं, तो ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के आगे जो होती है ना ये जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है ये है हमारे पास हाइपोग्लॉसल कैनाल, इससे हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व पास करती होती है। उसके बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल्स हैं, ठीक है। ये फोरामिन मैग्नम है, फोरामिन मैग्नम के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पार्ट में एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस होता है, उसके बाद हमारे पास क्रूसीफॉर्म लिगामेंट होता है और नहीं